खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां आज नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जा रही हैं। खबर है कि याकूब के यहां भी भारी तादाद में कैश बरामद किया गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर कन्नौज कैश कांड के आरोपी पीयूष जैन के यहां पर भी देखने को मिली थी, जहां इतनी बड़ी तादाद में कैश बरामद हुआ था कि नोट गिनने की मशीनें कम पड़ गई थी। और अब मोहम्मद याकूब के यहां जो छापेमारी हो रही है, वहां पर भी कैश गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं। के घर पर हो रही छापेमारी में नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है और आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक मशीन नोट गिनने की आ चुकी है। कहाँ से ला रहे हैं जी? एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक से जी। कितनी मशीनें और मंगाई? जी नहीं बताया, हम लाए हैं। अच्छा, एक ही मशीन? जी जी। तो देखिए, आप देख रहे हैं सामने यहाँ शेख मोहम्मद अयूब का ये मकान है और यहीं पर इत्र की फैक्ट्री भी है। मोहम्मद अयूब शमामा परफ्यूम के माहिर माने जाते हैं और पूरे विश्व में, कई देशों में, खासकर खाड़ी देशों में शमामा परफ्यूम इनका सप्लाई होता है। आप देख रहे हैं सामने ये मशीन अंदर ले जाई जा रही है, यानी इनकम टैक्स की टीम को यहाँ से काफ़ी सामग्री, काफ़ी कैश बरामद हुआ है, जिसकी काउंटिंग करने के लिए ये मशीन यहाँ पर ले जाई जा रही है। और ऐसा अभी सूत्रों का कहना है कि भारी मात्रा में कैश है और जल्द ही ये एचडीएफसी बैंक से ये मशीन आई है, जल्द ही और भी मशीनें यहां पर आ सकती हैं, क्योंकि कैश की काउंटिंग शुरू हो गई है। अभी तक इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इस मशीन के आने के बाद ये तय हो गया है कि यहाँ पर भारी मात्रा में कैश मिला हुआ है। ABP News, आपको रखे आगे।